नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी। करनाल नगर पालिका के कर्मचारियों ने किया जोरदार प्रदर्शन। अंबेडकर चौक पर डीएम से धीरज कुमार का फूका पुतला। नगर निगम में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की कर रहे हैं मांग। कर्मचारियों का कहना है, पिछले दिनों सरकार से समझौता होने के बाद भी नहीं मानी हमारी मांगे। नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ नगर पालिका कर्मचारियों ने अनदेखी का लगाया आरोप। पिछले 30 दिनों से अपनी मांगों को लेकर लगातार कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। उसमें जो समझौते हुए थे, कच्चे कर्मचारियों को पेरोल पे लाने की बात, सरकार ने पत्र जारी किया। यहाँ का जो चोर कमिश्नर, यहाँ का जो चोर डीएमसी बैठा हुआ है, उस पत्र की आनाकानी करके, सरकार के पत्रों की आनाकानी को देखते हुए ये कर्मचारी सड़कों पे उतरे हैं। हमारी मांगे सरकार ने मांगनी है। मुख्यमंत्री ने समझौता किया था भारी केंद्र कमेटी के साथ, उसके साथ समझौता करने के बाद पत्र जारी किया गया। यहाँ का जो कमिश्नर है, यहाँ जाकर डीएमसी खुदा है, एक तो यहाँ का डीएमसी है करनाल, यहाँ का कमिश्नर है और मेयर है, यहाँ जितने भी अधिकारी बैठे हैं, वो बातचीत नहीं करना चाहते कर्मचारी के साथ, उस पत्र को जारी नहीं करना चाहते। हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हो, आज 30 दिन हो गए कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन करते हुए, आज डीएमसी का पुतला जलाया जाएगा, उसके बाद कल 27 तारीख को वहाँ डीसी के वहाँ प्रदर्शन होगा, उसके बाद भी बातचीत नहीं बनी। जो केंद्र कमेटी फैसला लेगी, आने वाला चाहे कमिश्नर का पुतला फूंक रहा हो, चाहे मुख्यमंत्री का पुतला फूंक रहा हो, कर्मचारी कभी पीछे नहीं हटेगा। करनाल से मेनपाल कश्यप की रिपोर्ट। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।